वेलकम टू ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु, दिस इज मी जॉली। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 BHK अपार्टमेंट लोकेटेड एट द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ जीरकपुर। ये जो आज का जो हमारा अपार्टमेंट है ये रेडी टू मूव इन है। एंड एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसका लेआउट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं आपको हमेशा वीडियोज में सैम्पल अपार्टमेंट्स दिखाती हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाऊंगी। तो पहले अपार्टमेंट में ले जाऊँ, इससे पहले मैं आपको ये टाउनशिप एक्सप्लोर करवाती हूँ। टाउनशिप ये फुली गेटेड सोसाइटी है जिसमें कि आपको 24/7 गार्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ पूरी सोसाइटी में CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको इस टाउनशिप की लोकेशन बता दूं तो ये PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जीरकपुर में लोकेटेड है। एंड आप थोड़ा और अंदर चलते हैं टाउनशिप के, आप तो आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड पर कमर्शियल सेंटर है, यानी कि यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं और आपके डेली नीड्स का सभी सामान इन शॉप्स पर मिल जाएगा, तो आपको टाउनशिप से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप थोड़ा और अंदर चलते हैं टाउनशिप को और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, अब मैं टाउनशिप के अंदर आ चुकी हूँ। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर जब भी आप घर खरीदते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड एंड अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे के बिल्कुल एडजॉइंट है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, उत्तराखंड भी जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। Now if I talk about the nearby hotspots and places, तो यहाँ से shopping centers like Best Price, D-Mart, hospitals like MCare Hospital and major schools and colleges सभी project के बिल्कुल आसपास हैं। So guys, पूरी township 5.5 acres में है, जिसमें कि 1.5 acres में लहरेगा lush green park। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि parks fully maintained है, greenery कितनी अच्छी maintain कर दी गई है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे total 7 towers रहेंगे, जिसमें कि आपकी basement में parking रहेगी। And आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी families already रह रही हैं, यानी कि सारी amenities and facilities सब कुछ operational रहेगा। With that यहाँ का club house रहेगा 6,000 square feet के एरिया में, जिसमें कि आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज। क्लब हाउस के अंदर रहेंगे सभी तरीके के इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया एंड सो मच मोर। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे एक्चुअल फ्लैट में। सो गाइज, नाउ आई एम इन द एक्चुअल लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। एक फ्लोर पर रहेंगे 3 अपार्टमेंट्स, जिसको आप 2 लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज मैं जिस अपार्टमेंट का रिव्यू करने वाली हूँ, इट इज़ अ 3 BHK अपार्टमेंट जिसका साइज रहेगा 1710 square feet। तो अब चलते हैं एक्चुअल अपार्टमेंट के अंदर। इनसाइड द एक्चुअल अपार्टमेंट, जिसकी एंट्री होगी थ्रू दिस डोर। ये रहेगा आपका डिजिटल लॉक के साथ, इसको आप पासवर्ड एंड कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज द फॉयर एरिया एंड एंट्रेंस के बिल्कुल साथ रहेगा आपका बेडरूम नंबर 1। सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइज, दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1, जो कि गेस्ट बेडरूम है, बट देन इट इज़ अप टू यू, आप इसे किस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं। मैं आपको इसका साइज बता दूं तो ये रहेगा आपका 10x14 square feet के साइज में। काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर, आपका बेड यहाँ पर आसानी से फिट हो जाएगा, साथ ही साथ दोनों तरफ अच्छा स्पेस बचेगा। एंड मेरे पीछे आप ये जो कबर्ड देख रहे हैं, ये कबर्ड भी आपके अपार्टमेंट में इंक्लूडेड रहेगी। कबर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है, जिससे कि आपका सारा सामान आसानी से स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ ये कबर्ड आपकी रहेगी वाटरप्रूफ, जी हाँ। एंड इस पूरे अपार्टमेंट में आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूडेड रहेंगी, सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको पहले से ही कंप्लीट करके मिलेंगी। एंड दिस इज़ द अटैच्ड वॉशरूम टू योर फर्स्ट बेडरूम, जिसमें कि आपको वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो दी जा रही है, साथ ही साथ एडजस्ट फैन का स्पेस भी दिया जा रहा है। पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स इंक्लूडेड रहेंगी। एंड जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेम फ्लोर की टाइलिंग रहेगी, सेम वॉल की टाइलिंग रहेगी।
एंड मेरे पीछे ये रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस, जो कि आपके फर्दर ड्राइंग रूम, किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम की कॉमन बालकनी रहेगी. सो दैट वॉज योर फर्स्ट बेडरूम एंड नाउ आई एम इन द डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया ऑफ द अपार्टमेंट. ये रहेगा आपके ड्राइंग एरिया का पार्ट, जो कि आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग कंबाइंड रहेगा 23x17 स्क्वायर फीट के साइज में. आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर. आप आसानी से 7-9 सीटर सोफा सेट यहाँ पर फिट कर सकते हैं. विद दैट आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट का स्पेस भी मिलेगा. दिस साइड, दिस इज द स्पेस फॉर योर LED पैनल, जिसके ऊपर रहेगी आपकी AC की डक्टिंग. एंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेडरूम नंबर 1, ड्राइंग एरिया, किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम की एक कॉमन बालकनी रहेगी. इस बालकनी की प्रेजेंस से आपको पूरे अपार्टमेंट में नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर की कोई कमी नहीं रहेगी. एंड नाउ दिस इज द डाइनिंग एरिया. सो काफ़ी अच्छा डाइनिंग एरिया भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. यहाँ पर आसानी से 6-8 सीटर डाइनिंग टेबल फिट हो सकती है. उसके बाद भी मूवमेंट का काफ़ी अच्छा स्पेस बचेगा आपके पास. साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको विंडो दी जा रही है, यानी कि यहाँ से भी नेचुरल लाइट आएगी एंड नेचुरल सनलाइट, यहाँ से भी कोई कमी नहीं रहेगी. सो दैट वॉज योर डाइनिंग एरिया, जिसके बिल्कुल एडजेसेंट रहेगी आपकी मॉड्यूलर किचन. सो लेट्स गो विद देयर. And this is your modular kitchen. जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. सेम एज इट इज कैबिनेट्स रहेंगे बोथ अपर एंड लोअर. साथ ही साथ काउंटर रहेगा आपका ग्रेनाइट मार्बल का. विद दैट सभी कैबिनेट्स रहेंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ. That will make your life easy and swift. And this side we have the wet section, जिसमें आपको dual sink with a single rotating faucet मिल रहा है. And यहाँ रहेगा आपका गीजर का provision. साथ ही साथ ये जो मेरे पीछे आप बालकनी देख रहे हैं, ये आपके किचन की प्राइवेट बालकनी रहेगी, जिसे कि आप एज अ यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं. वाओ, दिस इज द बालकनी ऑफ योर किचन, जिसमें कि आपको मिल रहा है बहुत ही अमेजिंग व्यू. सामने रहेगा आपका पार्क, यहाँ बना रहे होंगे आप खाना. बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है आपको. बालकनी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, इसे आप एज अ यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं. सो दैट वॉज योर किचन. एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी कि इस अपार्टमेंट का लेआउट बहुत अच्छा है, तो उसका कुछ रीज़न है. एंड रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का फुल ध्यान रखा गया है. यानी कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और वो ड्राइंग एरिया में बैठे हुए हैं, तो वो आपको किचन में काम करते हुए नहीं देख सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके गेस्ट की सेपरेट एंट्री भी है, यानी कि उन्हें अंदर का कुछ नहीं दिखेगा. तो प्राइवेसी का इस अपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया हुआ है. दैट मीन्स लेआउट बहुत अच्छा है यहाँ का. एंड अब इसके साथ मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ बेडरूम नंबर 2 में. सो गाइज, दिस इज दी सेकेंड बेडरूम, जो कि रहेगा आपका किड्स बेडरूम. इसका साइज रहेगा 10x13 स्क्वायर फीट. काफ़ी अच्छा साइज है. यहाँ पे 2 सिंगल बेड आ जाएंगे आपके बच्चों के लिए. एंड मूवमेंट का काफ़ी अच्छा स्पेस बचेगा. साथ ही साथ इतना स्पेस बचेगा कि आप स्टडी टेबल भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए. एंड यहाँ पर आपको AC की डक्टिंग एंड LED पैनल का भी स्पेस मिल रहा है. साथ ही साथ ये रहेगी आपकी अटैच्ड वॉशरूम. So this is the attached washroom, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. टाइलिंग सेम एज इट इज रहेगी, बोथ फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग. साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन पर्पज के लिए एग्जॉस्ट फैन का स्पेस, विंडो भी मिल रही है. विद दैट पूरे वॉशरूम में आपको प्रीमियम फिटिंग्स मिल रही हैं. एंड दिस साइड इज द फुल लेंथ वॉल माउंटेड कवर्ड, जो कि आपके रूम में इंक्लूडेड रहेगी. एंड दिस इज द एक्सेस टू योर बालकनी. सो लेट्स गो ओवर देयर. And this is the attached balcony to your kids room. ये आपके master bedroom, kids bedroom, drawing area and first bedroom की common balcony रहेगी. काफी ज्यादा लंबी एंड काफी ज्यादा बड़ी balcony रहेगी आपकी ये. यहाँ पर आपको anti-skid tiling मिल रही है. With that आप railing की height देखिए, काफी अच्छी good heighted railing भी मिल रही है, यानी कि आपके बच्चों की safety का पूरा ध्यान रखा गया है. आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी बालकनी है यहाँ पर ये. आप यहाँ पे चाहें तो सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं. यहाँ पे 3-4 चेयर आसानी से आ जाएंगी. साथ ही आप अपने फैमिली के साथ विंटर्स में यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. समर्स में यहाँ इवनिंग में भी बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं. विद दैट पूरे अपार्टमेंट के जो ग्लासेस हैं, वो UPVC टफन ग्लासेस हैं, जो कि साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहते हैं. So guys, that was your kids' bedroom. Now moving on, let's go to our master bedroom.
So guys, this is the bedroom number 3. That is your master bedroom. Iska size rahega 11 into 14 square feet ke size mein. That means you are getting a very spacious bedroom in terms of size. Saath hi saath aap mere piche ye cupboard dekh sakte hain. Ye is bedroom mein included rahegi. It is a full wall length cupboard जिसका साइज बहुत ही अच्छा है, अंदर का साइज भी बहुत अच्छा है, इसमें आसानी से आपका सारा सामान आ जाएगा। With that, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रहेगी बालकनी। मास्टर बेडरूम में आपको एक नहीं बल्कि दो दो बालकनी मिल रही हैं। एक तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, अब दिखाती हूँ आपको दूसरी वाली। So this is the second balcony of your master bedroom, जिसमें कि आपको मिल रहा है पार्क का व्यू। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही अच्छा व्यू। सामने रहेगा ग्रीन पार्क, यहाँ रहेगा आपका बेडरूम, यहाँ पर आप बना सकते हैं सिटिंग एरिया, क्योंकि काफ़ी सफिशेंट यहाँ पर स्पेस है, तो आसानी से दो से तीन चेयर तो यहाँ आ जाएंगी। आप सुबह शाम यहाँ पर चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और एक अच्छा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। विदाउट आप देख सकते हैं कि रेलिंग की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स गो इनसाइड अगेन। On this wall you have the place for your LED, जिसके ऊपर रहेगी आपकी AC की डक्टिंग। साथ ही साथ आप मेरे पीछे ये बालकनी देख सकते हैं, इसे मैंने आपको किड्स बेडरूम से ऑलरेडी दिखा दिया है। With that, ये रहेगी आपकी अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर मास्टर बेडरूम। सो लेट्स गो इनसाइड। So okay, so you have ample space over here. काफ़ी अच्छा साइज है बाथरूम का। साथ ही साथ यहाँ रहेगा आपका विंडो फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन, जिसके ऊपर रहेगा एग्जॉस्ट फैन का स्पेस। साथ ही साथ आप जैसे ये देख रहे हैं बाथरूम पूरा सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेम टाइलिंग रहेगी, विद दैट पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी। सो गाइज, दिस वॉज योर 3 BHK अपार्टमेंट इन जरकपुर, जिसका साइज था 1710 स्क्वायर फीट। आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नाउ इफ यू आस्क अबाउट माय रिव्यूज, तो मुझे ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड उसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लेआउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर आपको कम्प्लीटली प्राइवेसी मिलेगी हर जगह से। साथ ही साथ ये रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है, यानी कि आपको सालों साल पोजेशन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अभी बुक कीजिए और अभी यहाँ पे मूव कीजिए। साथ ही साथ लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। शहर के बाहर और शहर के अंदर दोनों जगह से प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, यानी कि लोकेशन कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग एल्स इज परफेक्ट ओवर हियर। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं एंड आप इसे विजिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको यहाँ पर लाएगी, विजिट करवाएगी। एंड इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।